अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे बाल बच्चे का? ठीक ठाक हो? अज मैं चली हाँ साग लैन, तो साग लिया के फिर सवन मैं बखावी कैसे तरीके ना बनाने जो के लिया। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? सब का ठीक ठाक हो? हरियत नाल ते अज मैं अपनी दादो दे नाल जा रहा, दादो मैं सरसों का साग लैन चले ने, ते अज साग लैके तुहानू पका के दिखाना किस तरीके नाल बनाईदा है। बस हूँ मैं साग है खोन लगी हाँ, बिस्मिल्लाह। हूँ मैं साग खो लिया जी, तो खो के तो हम रखा गया ना। अच्छा, तो अभी मैं पालक दादा को काट के देता हूँ। दादा मैंने साग सारा उतार लिया है, अभी मैं दादू मैं बिस्मिल्लाह। बहुत ही ताज़ी पालक है,
चलें जी गाइस, पालक हमने काट लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। अभी पालक होना सा खोल ही है कि हूँ लिया के थे चले घर चल के साफ कर रहे मेरा पुत्र हूँ बन लगे। अच्छा दादी माँ मैं हूँ सिरे तो धर लिया जो साग हूँ लैके तो घर चले आ चल के हूँ साफ करने फिर पकाने हूँ साग लैन दे तो हूँ इनू बह के साफ कर लगा जी जब सारा तैयार हो गया फिर तुम बहा। अच्छा तो गाइस दादा मैंने ऊपर तांबिया रख लिया और अभी दादी मैं इसमें क्या डालना पहले सबसे पहला पानी। ठीक है जी पानी जब गर्म हो जाएगा तो फिर साग बिस्मिल्लाह एक जग दादी मैं पानी डालना इस वक्त पानी जग पाया वे ये साग धो के लिया तो यह भी पानी होता मेरा तो ये जो पानी पाया इस पानी के गलना पानी लाना नहीं। ठीक है जी इस पानी के गलता है सही है फिर गल जाएगा फिर इन घोटा मारा दे। ठीक है अच्छा जी दादी मैं पानी गर्म हो गया जी हाँ तो अभी क्या करना है हूँ साग पाना में सही है बिस्मिल्लाह। अच्छा दादी मैं जो साग किन्ना पालक किन्नी पानी है एक मुठा साग तो एक मुठा पालक पालक वाद भी मुठ पै जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी साग सारा डाल दिया और अभी दादी मैं क्या करना है पालक पानी। अच्छा ये दादी मैं कितनी मर्ची है ए कोई 20 का मर्चा हरियां में। अच्छा ते 5-6 सुइयां में 5-6 सुइयां मर्चा। ठीक है ये पानी जेड़ा है इन इस पानी के बीच ही साग ने गलना है। ठीक है पानी लाना नहीं अगे दूजे तरीके का साग पका के तुम बखाया सी तो हुआ बिस्मिल्लाह। दादी मैं अभी का डालने लगी है नमक सही है नमक पा दिता वे ते मर्चा बिच पा छड़िया ने हूं तो डाप दिता किन्ने मिनट तक दादी मैं डाप देना कोई लगे घंटा डेढ़ दो। अच्छा सही है। अच्छा तो गाइस देखें एक घंटा हो गया और हमारा जो साग है वो अच्छी तरह गल चुका है और वो नीचे बैठ गया। अभी पानी सूख जाता तो फिर इसको इसमें जो है ना अच्छी तरह घोटा मारते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस बात है नहीं है पकाना जब दूजी हांडी के हम पान लगे हैं तो वो फिर रगड़ा म ध्यान दे चंगा घोटा घोटा दे हूँ हांडी च पान लगे हैं भाई ये रगड़ा मार गया तो सही नहीं रगड़ा लगता इस बात है हांडी च पाया अगे तंबके सी तो इस बात वो बड़ा सी तो रगड़ा मारिया घोटिया नहीं जाता तो हूँ हांडी पाया वे तो इस बात हूँ रगड़ा देने तो खुशक हो जाता चंगा घोटा बिच बच जाएगा लाए बहुमान हूँ रगड़ा देन लगे हाँ अंज करके ज्यों ज्यों रगड़ा दे त्यों त्यों सोहना रगड़ी जाएगा
ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ। ਸਾਗ ਪੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਦੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਜਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਸਮਝਦੀ, ਨਾਲੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਵੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਮੌਸਮ ਆਵੇ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਗੋਂਗੂ ਪਕਾਉਣੇ, ਸਾਗ ਪਕਾਉਣਾ, ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਣਕੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵਖਤ ਕਰਨ। ਲੜਾਖੀ ਦਾ ਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਟ ਘੱਟ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਥੋਮ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈ। ਹੁਣ ਐਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਥੋਮ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਦਾਦੀ ਮਾਈ ਤੜਕਾ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆ ਤੜਕਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾ ਆਟਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਆਟਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਕਈ ਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ।
जड़ी है वो खा लिए सारा दिन भुख नहीं लगती। तो जड़ी मकई है ना ये जब दिहाड़ अद्धी गुजरती है ना फिर दिल करता और रोटी खाइए। उत्ते तवा रख लिया वे तो हम रोटी पकान लगे। रोटी जड़ी है ना ये बच्चे हूँ घ्यो लाने लगे हैं घ्यो ला के फिर इन्हें छनना है। इनू राम राम ना छंडी दावे कि भाई ये टूट ना जाए। बिस्मिल्लाह Bismillah. Bismillah. Allez.
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੰਦੇ ਰਹੇ अच्छा तो गाइस हमारी रोटियां पक चुकी हैं और अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। अच्छा तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अभी हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। हाँ, सरसों का साग है, साथ में मकई की रोटी है और टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार रोटी भी दाता ने बहुत ही मज़ेदार बनाई है, साग भी बहुत ही मज़ेदार। साथ में लस्सी है चाटी की, मक्खन है हमारा घर का ताज़ा मक्खन। मैं तो चार नाल भी खा ला, चार भी स्वादी होता है नाल मकई बाजरे की रोटी ना। चार भी बहुत मजेदार है, चार भी मजेदार है, मकई की रोटी मजेदार। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही ताज़ा मज़ा आया आज। बहुत मज़ेदार है, साग भी बहुत अच्छा है, रोटी में मकई जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, साथ में लस्सी भी है घर की। बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर अल्लाह मेहर करे।